प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एल्काइन की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। प्रथम हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजिनेशन। एल्काइन उत्प्रेरक जैसे प्लेडियम, प्लेटिनम, रेनेनिकल की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर दो अणु हाइड्रोजन के साथ एडिशन योग करके एल्केन बनाते हैं। जैसे कि इस अभिक्रिया से स्पष्ट है कि जब एल्काइन का हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट प्लेडियम, प्लेटिनम, रेनेनिकल की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराया जाता है, तो पहले यहाँ एल्कीन बनती है और एल्कीन के हाइड्रोजनेशन से एल्कीन बनते हैं। जब एल्काइन का हाइड्रोजनेशन सोडियम धातु एवं द्रव अमोनिया अथवा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाया जाता है, तब उत्पाद के रूप में ट्रांस एल्कीन बनते हैं। जब टू ब्यूटाइन का हाइड्रोजनेशन NaNH3 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करवाया जाता है, तब यहाँ उत्पाद के रूप में ट्रांस टू ब्यूटीन बनता है। एवं जब एल्काइन का हाइड्रोजनेशन लिंट लार उत्प्रेरक प्लेडियम कैल्शियम कार्बोनेट CbO अथवा प्लेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में करवाया जाता है, तब उत्पाद के रूप में समकक्ष एल्कीन बनते हैं। जब एल्काइन का हाइड्रोजनेशन लिंट लार उत्प्रेरक जो कि प्लेडियम कैल्शियम कार्बोनेट CbO का मिश्रण होता है की उपस्थिति में करवाया जाता है, तब उत्पाद के रूप में सिस एल्कीन बनते हैं। नेक्स्ट, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। एसिटिलीन एवं वन एल्काइन अम्लीय प्रकृति के होते हैं तथा इसी कारण इनके हाइड्रोजन को प्रबल नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। प्रथम एल्कानाइड का बनना, फॉर्मेशन ऑफ एल्कानाइड। द्रव अमोनिया एवं सोडियम की उपस्थिति में एल्काइन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन सोडियम से हो जाता है। उत्पाद को सोडियम एल्कानाइड या एसिटिलाइड कहते हैं। एसिटिलीन के दोनों हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर के डाइसोडियम एल्कानाइड बनते हैं। जब प्रोपाइन की अभिक्रिया द्रव अमोनिया में सोडियम धातु के साथ करवाते हैं, तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर सोडियम प्रोपाइनाइड बनता है। एवं जब एसिटिलीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ द्रव अमोनिया में करवाते हैं, तब पहले यहाँ उत्पाद के रूप में मोनोसोडियम एसिटिलाइड बनता है, तत्पश्चात डाइसोडियम एसिटिलाइड बनता है। नेक्स्ट, भारी धातु एल्कालाइड का बनना। एसिटिलीन और वन एल्काइन को अमोनिया में सिट्रस क्लोराइड विलयन में प्रवाहित करने पर लाल रंग के कंद से क्यूप्रस एसिटिलाइड और क्यूप्रस एल्कालाइड प्राप्त होते हैं। ये अभिक्रिया यौगिक में सिरे वाले ट्रिपल बॉन्ड CH बंध की उपस्थिति ज्ञात करने में प्रयुक्त होती है। जब एल्काइन एसिटिलीन के साथ ट्रेलिंग विलयन अथवा अमोनिया में क्यूप्रस क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं, तब यहाँ पर कॉपर एसिटिलाइड लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। एवं जब एल्काइन या एसिटिलीन की अभिक्रिया टोलाइन अभिकर्मक अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाते हैं, तब सिल्वर एल्कानाइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसा कि इस अभिक्रिया स्पष्ट है कि जब यहाँ पर एल्काइन प्रोपाइन की अभिक्रिया अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट जिसे टोलन रिएजेंट कहते हैं के साथ करवाते हैं, तब यहाँ पर सिल्वर एल्कानाइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया भी यौगिक में सिरे वाले ट्रिपल बॉन्डेड CH बंध की उपस्थिति ज्ञात करने में प्रयुक्त होती है। इन दोनों अभिक्रियाओं का उपयोग वन एल्काइन तथा टू एल्काइन में अंतर करने के लिए किया जाता है। टू एल्काइन में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, अतः ये उपयुक्त दोनों अभिक्रियाएँ
देने में असमर्थ होते हैं। अतः वन एल्काइन टू कप दोनों अभिक्रियाएँ हैं वो प्रदर्शित करते हैं, जबकि टू एल्काइन हैं इन दोनों अभिक्रियाओं को प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि वन एल्काइन में ट्रिपल बॉन्डेड सी एच समूह होने के कारण से आसानी से प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ होती हैं। नेक्स्ट, बहुलकीकरण अभिक्रियाएँ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। विभिन्न परिस्थितियों में एल्काइन की होने वाली बहुलकीकरण अभिक्रियाएँ निम्न हैं। प्रथम, द्वितीयकरण डाइमराइजेशन। क्यूप्रस क्लोराइड एवं अमोनिया में क्लोराइड विलयन में एस्टिलीन को प्रभावित करने पर वाइनिल एस्टिलीन बनता है। जब एस्टिलीन के दो मॉलिक्यूल को क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 एवं अमोनियम क्लोराइड के विलयन में प्रभावित करते हैं, तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर वाइनिल एस्टिलीन बनता है। वाइनिल एस्टिलीन की HCl के साथ अभिक्रिया से क्लोरोप्रीन बनता है, जो कि उन्हें पॉलीमराइज होकर के नियोप्रीन रबड़ बनाता है। यहाँ पर वाइनिल एस्टिलीन है, यह HCl के साथ रिएक्शन करता है जिसके फलस्वरूप क्लोरोप्रीन बनता है, और यह पॉलीमराइज होकर के प्राकृतिक रबड़ के समान नियोप्रीन रबड़ बनाता है। नेक्स्ट, द्वितीयकरण ट्राइमराइजेशन। एस्टिलीन या वन एल्काइन को रेड हॉट लोहे की नली से अथवा कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल की उपस्थिति में गर्म करके ब्रोमीन के साथ ऑक्सीकारक अपघटन करने से ट्राइमराइजेशन द्वारा बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन प्राप्त होते हैं। जब एस्टिलीन के तीन मॉलिक्यूल को रेड हॉट आयरन ट्यूब से कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल की उपस्थिति में गर्म करके ब्रोमीन के साथ ऑक्सीकारक अपघटन करते हैं, तब ट्राइमराइजेशन के द्वारा यहाँ पर एस्टिलीन से बेंजीन बनता है। अतः यहाँ पर सक्रिय यौगिक उत्पाद के रूप में बनते हैं। इसी प्रकार जब प्रोपाइन के तीन मॉलिक्यूल हैं वो रेड हॉट आयरन की ट्यूब एवं कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल की उपस्थिति में गर्म करते हैं और ब्रोमीन के साथ यहाँ पर ऑक्सीकारक अपघटन करने के फलस्वरूप इसके प्राइमराइजेशन से यहाँ पर उत्पाद के रूप में मेस्टिलीन बनता है। नेक्स्ट, टेट्रामेराइजेशन चतुष्कीकरण। एस्टिलीन में ये अभिक्रिया उत्प्रेरक निकल साइनाइड की उपस्थिति में उच्च ताप 65 डिग्री सेल्सियस एक उच्च दाब 200 वायुमंडलीय दाब पर संपन्न होकर के साइक्लोऑक्टा टेट्राइन बनाती है। जब एस्टिलीन के चार मॉलिक्यूल हैं कैटलिस्ट निकल साइनाइड की उपस्थिति में उच्च दाब और उच्च दाब पर प्रभावित करते हैं, तब यहाँ उत्पाद के रूप में साइक्लोऑक्टा टेट्राइन बनता है। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएँ। सारी KNO4 या अम्लीय K2Cr2O7 से अभिक्रिया करके एल्काइन कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं, और इन कार्बोनिल यौगिक के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। जब एल्काइन का सारी KNO4 से ऑक्सीकरण होता है तब डाई कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, और इन डाई कार्बोनिल यौगिक के आगे ऑक्सीकरण होने के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। जैसा कि यहाँ पर यदि प्रोपाइन का क्षारी KNO4 से ऑक्सीकरण किया जाए, तब पहले यहाँ पर उत्पाद के रूप में पाइरूविक एल्डिहाइड बनता है, और इसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एसिटिक एसिड तथा फॉर्मिक एसिड बनते हैं। यह अभिक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उपयोग एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, ओजोनीय अपघटन ओजोनोलाइसिस। एल्काइन की ओजोन के साथ एडिशन क्रिया से ओजोनाइड बनते हैं, जो तनु अम्ल से अपघटित होकर के
डाई कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। अभिक्रिया की प्रस्तुतिकरण से H2O2 आगे इसका भी ऑक्सीकरण कर देता है और इससे कार्बोजिल अम्ल के दो अणु हैं वो प्राप्त होते हैं। जब एल्काइन का ओजोन O3 के साथ एडिशन रिएक्शन होता है तब पहले यहाँ उत्पाद के रूप में ओजोनाइट बनते हैं और ओजोनाइट के तनु अम्ल से जल अपघटन के फलस्वरूप डाई कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। ये डाई कार्बोनिल यौगिक H2O2 से ऑक्सीकृत होकर के कार्बोजिलिक अम्ल बनाते हैं। यदि जल अपघटन में यहाँ पर जिंक प्रयुक्त किया जाए तो डाई कार्बोनिल यौगिक बनने पर ही अभिक्रिया है वो रुक जाती है क्योंकि जिंक जेडन है वो H2O2 को अपघटित है कर देता है। जैसा इस तरीके स्पष्ट है कि जब टोपाइन का ओजोन से एडिशन रिएक्शन कराते हैं तब पहले यहाँ पर ओजोनाइट बनता है और इसके तनु अम्ल से जल अवरुद्ध होने के फलस्वरूप यहाँ पर डाई कार्बोनिल यौगिक बनते हैं और ये डाई कार्बोनिल यौगिक H2O2 से ऑक्सीकृत होकर के यहाँ पर एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड बनाते हैं। नेक्स्ट समावेशीकरण अभिक्रिया आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। एल्काइन क्षारीय माध्यम में पोजीशन समावेशता दर्शाते हैं। जैसा कि यहाँ पर इस अभिक्रिया से स्पष्ट है 1-ब्यूटाइन को जब क्षारीय केवच की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तब यह 2-ब्यूटाइन में परिवर्तित हो जाता है। 1-ब्यूटाइन और 2-ब्यूटाइन एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं अतः इसे समावीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बन कार्बन बंध पर इलेक्ट्रॉन का बेलनाकार अब्बर होने के कारण एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आसानी से नहीं दर्शाते। जैसा कि हमने पहले देखा था कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है जिससे उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का बेलनाकार अब्बर होता है जिस कारण से एल्काइन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आसानी से संपन्न नहीं होती है। यदि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर कोई प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह जैसे CN, CH2, NO2, COOH उपस्थित हो तो वह कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है और ऐसी पोजीशन में न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण एल्काइन पर संभव हो जाता है। अभिक्रिया निम्न दो स्टेप में संपन्न होती है। प्रथम स्टेप इस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का योग ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर होकर के एल्किलिन रेनाइन बनता है। ये पद स्टेप है वो स्लो होने के कारण से इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस स्टेप में क्या हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल का जो एडिशन है वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर होता है जिसके फलस्वरूप यहाँ पर एल्किनिल रेनाइन बनता है। सेकेंड स्टेप में इस स्टेप में प्रथम पद में बना हुआ रेनाइन प्रोटोन ग्रहण करता है और स्थाई एल्किनिल एडिशन प्रोडक्ट है वो बनाता है। थैंक यू।